Assalamualaikum. See, आपके होस्ट आपके दोस्त नाना सुनाना आपके फेवरेट प्रोग्राम सालद रेडी विद ऑन न्यूज के साथ आ चुकी है जनाब. और आज फिर आप सोच रहे होंगे कि आज ही क्या बात करेगी. आज तो जंग जो है वो तकरीबन धीरज के मूड में है. लेकिन नहीं जनाब, अगर जंग धीरज के मूड में है, हम धीरज के मूड में बिल्कुल भी नहीं है. जे सारे ये रिपोर्ट जा रही होनी है कि पायलट नु छड़न की तैयारी हो रही है. पायलट असीं एवें नहीं छड़ देना, ना 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 ऐदां नहीं होंदा. ते खैर हुकूमत पे प्रेशर होता है जनाब, सारी हुकूमतों पे प्रेशर होता है. अब पता नहीं कि भारत पे क्या प्रेशर था और किसका प्रेशर था, ये बात सोचने वाली है कि उन लोगों पे किसका प्रेशर था जो उन्होंने ये स्टेप लिया. वरना इतने सालों में तो उन्होंने ये हरकत की ना, तो आखिर किसका आशीर्वाद है जो भारत ने हमसे पंगा लेने का सोच ही लिया. तो खैर सोचा तो वो ये सोचकर मजीद सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि हमने ये क्यों सोचा. तो इसलिए जनाब बिल्कुल आपने अच्छे से सोचना है और अपने मोराल को बुलंद रखना है, अपनी फौज के हौसलों को बढ़ाना है. इसी जज्बे के साथ हम करते हैं अपने प्रोग्राम का आगाज और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी फौज को, हमारे मुल्क को हर सतह पर बुलंदी और कामयाबी की तरफ लेकर जाए. तो जनाब आज हमारे साथ जो दो लोग मौजूद हैं, हमने इसी जज्बे के साथ उनको अपने प्रोग्राम में दावत दी है ताकि हम लोग आपका मोराल और आपका जज्बा जो है वो बुलंद कर सके और हम दे सके अपनी पाकिस्तानी अफवाज का साथ. इसी अफवाज का साथ देने के लिए हमारे साथ मुल्क की नामवर पंजाबी, उर्दू और फोक को गाती हुई और फिल्म्स की प्लेबैक सिंगिंग, हाँ जी बिल्कुल जी, ड्रामों में भी शायद गाती हैं जो उनके थीम सॉन्ग्स होते हैं. और इसके अलावा रेडियो पे भी काफी आपने सुना, मुल्क से बाहर भी बहुत सारे दौरे कर चुकी हैं और बहुत ही अपने नाम की तरह खूबसूरत हस्ती, नाम की तरह खूबसूरत आवाज, नूर अफशा जी. अस्सलाम वालेकुम नूर अफशा. वालेकुम अस्सलाम जी. और इनके साथ ही साथ साथ हम आपको दूसरे जो हमारे बैठे हुए हैं मेहमान, उनका भी तारुफ करवा दे. देखे ना, फीमेल बैठी है तो फीमेल के साथ साथ मेल का होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हर चीज जोड़े ची चंगी लगती है. जोड़े तो बगैर तो बंदा दूर ही रह जाता है, वह भावे बंदा होवे बुढ़ी हो, दोवें दूर ही रह जाते. तो कट्ठे कर दो ता मुसीबत है, ना करो ता मुसीबत है. लेकिन असं मुसीबत अपने सिर ले ली है क्योंकि सानू बहुत शौक है मुसीबत का सिर लैन का. तो यह गल जरा ना दुनिया बहुत घट पता है कि असं मुसीबत के बहुत शौकीन है. असं तो कहने वेले बैठी हुई यार कोई फड्डा ही नहीं आ, चलो किसी ना पंगा ही ले आइए, लड़ ही आइए. तो इस करके यह सारिया गलां साढ़े दुश्मन नूं पता होनिया चाहिए. खैर उन्होंने ना भी पता हो तो हूं पता चल गया होगा. तो जनाब जो साढ़े दूसरे गैस्ट ने वो जी जनाब ताल्लुक उनका भी सिंगिंग से है और म्यूजिक की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो गाते तो है ही और उसके साथ वो एक बहुत बड़ा काम करते हैं, वो कंपोजिंग करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं और बहुत सारे हिट किस्म के गाने दे चुके हैं. आर्मी से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे तराने और बहुत सारे चीजें जो क्रिएट की हैं और बड़ी जबरदस्त किस्म की हैं, जिनको देख के पता चलता है कि उनसे अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं हो सकता है. तो हमने सोचा कि आज उनको यहां बुला लिया जाए ताकि आपको पता चले कि हमारे पाकिस्तान में कितना कितना टैलेंट पड़ा है. काफी सारे लोग हैं जो पीछे रह के अपना काम आगे भेज रहे होते हैं, उन्हीं लोगों में इनका शुमार होता है. हालांकि ये बहुत अच्छे सिंगर हैं, सिंगिंग वैसे ही करते हैं, लेकिन फिर भी इनकी आवाज में जो दर्द पाया जाता है वो मैंने बड़े बड़े जो रियाज करते हैं लोग उनमें मैंने देखा है ये. ठीक है जी, तो अब हमारे साथ जो हस्ती बैठी हुई है उनका नाम है जी मोहम्मद अली साहब. अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद. वालेकुम अस्सलाम. कैसे आप, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र. चले जी, अच्छा जी, दोनों के तारुफ तो हो गए हैं. नूर अफशा जी आपका भी, तो आप मुझे बताएंगी कि ये जो आपने सिंगिंग स्टार्ट की है, माशाल्लाह से आप खूबसूरत भी हैं, तो आपने एक्टिंग का क्यों नहीं सोचा? एक्टिंग की ऑफर हुई थी मुझे, ऑफर हुई थी. कॉलर आ गए हैं, मुझे लगता है इनको भी किसी चीज की ऑफर हो गई. अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. जनाब कॉर्नर कहाँ से? जी मजर इकबाल बात कर रहा हूँ, लालामुसा से. मजर इकबाल साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, सुनाए कैसे हैं? ठीक ठाक. मजर इकबाल साहब आप मुल्क की सूरत हाल के बारे में कोई अपनी राय, कोई एक जुमला बोलना चाहेंगे? मैडम यार मैं तो यही कहता हूँ कि जो है ना अभी इंडिया वाले जो दे रहे हैं, वहां पर बातें कर रहे हैं, उनको तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए. अच्छा, और देना चाहिए, अभी अभी और देना चाहिए, इनको थोड़ा सा मसाला देना चाहिए. ओके, हो गया, गुड हो गया, ठीक हो गया. थैंक यू वेरी मच मदर इकबाल साहब कि आप आए. और अच्छी बात है, हर पाकिस्तानी की भी यही ख्वाहिश है, जिस तरह से मतलब इंडियन लोग तो मेरा ख्याल में वो बोलते भी नहीं है. खैर वो तो मिल रहा है उनको, वो देख रहे होंगे, मीडिया पे भी देख रहे होंगे और सारी दुनिया में ये पता चल रहा होगा कि
हो क्या गया है, उनके तो अपने बंदे खड़े होकर कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने तो पूरा का पूरा बंदा भी दिखा दिया, उसका वीडियो क्लिप दिखा दिया आपका, आप लोग मान भी गए कि वो हमारा पायलट है। तो आप लोगों ने जो 300 बंदे आप कह रहे हैं कि उनके हम जख्मी करके आए हैं कि मार के आए हैं, उनकी एक फोटो ही हमें दिखा दे ताकि हमें पता तो चले कि आपने भी हमारी कौम के लिए कुछ किया। तो खैर ये सारी चीजें पता चल जाती हैं, जो बदनीयत बंदा होता है उसका कभी कुछ नहीं बनता। तो खैर जनाब अभी हम नूर अफशा की तरफ आएंगे। नूर अफशा जी आपकी आवाज माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, हम चाहेंगे कि इस मौके पे जब के सारे लोग बड़े जोशो खरोश में आए हुए हैं तो आपका एक सॉन्ग है प्यार दे भुलेखे शायद, प्यार दा रोला है, प्यार दा रोला इथे इस वेले लड़ाई दा रोला बने आया, पायलट दा रोला बने आया, असीं चाहने हैं कि यह साडे वल्लों प्यार दा रोला ही पै जावे। चंगा माइक फड़ो तो स्टार्ट करो ताकि साडे नाज़रीन सुन के किड्डी सोहनी आवाज है ताडी मुतरन्नम। Are you ready guys? It's a pyar da rola, aaye ki hasna Those by Ali चुप किते प्यार दा रोला पै गया, ये जिहड़ा रोला पै गया तो ठीक है, चुप किते पै गया इस गल दी कोई समझ नहीं आती। वो कहंदे ने जी इश्क ते मुश्क छुपाए नहीं छुपदे, यह बिल्कुल इंज दी गल है और वाकई इस गाने तो भी जाहिर हो रहा है कि इश्क मुश्क ना छुपाए नहीं। की ख्याल है अली साहब तुहाडा? बिल्कुल जी, किन्नी क वारी कोई इश्क विश्क कीता तुसीं जिंदगी च?
एक ही दफा की है एक दफा ही होता है तो मुकर गए और तो ना काम ही है मुकर जाना तुसी दसो एक दफा की है और वही भुगत रहे हैं उसके साथ शादी होगी मकसद ही है वेरी गुड जबरदस्त ये बड़ी अच्छी बात होती है बड़ा मजा आता है कि चलो वैसे ना सही ऐसे तो सजा मिली ना किसी को तो ऐसे आपको सजा मिल रही है तो बड़ी खुशी की बात है हाँ हम अपनी भाभी के साथ हैं बिल्कुल बिल्कुल तो क्या जब शादी हो जाती है तो बंदा पछताता है इस बात में या खुश होता है खुश होता है उस थोड़ी देर के लिए हाँ नहीं अगर दोनों कॉम्प्रोमाइजिंग हो ना हाँ, तो फिर तो खुशी खुशी है अच्छा और अगर कॉम्प्रोमाइज किसी एक तरफ से भी ना हो तो फिर तो मसला है कॉम्प्रोमाइज तो की मुराद होती है लोगों की कॉम्प्रोमाइज है कि बंदे की गल नहीं कॉम्प्रोमाइज है होता है कि बंदा बाहर जितनी मर्जी फ्रेंडा बनाता रहे फिरता रहे कोई खाने खावे चावा पीवे ठीक है जिस दिन बुढ़ी का पता चल जाए उसका कजन आया सी कल ही घर दो घंटे बैठा रहा उस दिन स्यापा पै गया है जी तो वो कॉम्प्रोमाइज तो ना हो जनाब लेडीज को कहते हैं जेंट्स भी तो होना चाहिए ऐसे ही हाँ दोनों तरफ से होना चाहिए कि अगर वो दो घंटे मतलब आप बाहर गुजारते तो वो भी दो घंटे कदम ना बह गई तो कड़ी गल भी तो दिल है ना बेचारे का दिल कर रहा कभी ए जरा रोज मुर्गा खान नहीं भी दिल करता नहीं अक्सर कहते हैं ना कि जी रोज दाल रोटी दाल चोल तो बंदा अक भी जाता है अक्सर मर्द यही कहते हैं कि रोज ही दाल तो तंग भी आ जाता है असं यह कहने कि चलो रोज मुर्गा खाने नहीं भी औरत दिल करता दाल भी कभी खाने दिल करता तो खैर जनाब ये तो एक मजाक की बात है लेकिन इस पर सीरियस होकर जरूर सोचिएगा तो ये आप कंपोजिंग की तरफ आगे माशाल्लाह से मैंने आपकी आवाज सुनी है आपकी आवाज में बड़ा एक दर्द और सुर पाया जाता है सुर है आपकी आवाज में तो बड़े रिदम से गाते हैं आप तो फिर आपने कंपोजिंग का कैसे सोच लिया कि म्यूजिक डायरेक्शन देने लग जाऊं क्योंकि लोग सही नहीं गा रहे थे नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि मतलब ये शौक था कि भी मैं सिंगिंग करता हाँ। और मुझे फिर अपनी आवाज जैसी ही कोई कंपोजिशन चाहिए थी अच्छा बार दफा ये होता है कि कोई कंपोजर बनाता है तो सिंगर का ना वो स्केल होता है ना उसका वो मिजाज होता है तो हमेशा से यही ख्वाहिश रही कि भी मैं अपने म्यूजिक के लिए खुद कंपोज करूं अच्छा लेकिन वो खुद अपने म्यूजिक को कंपोज करते करते फिर मैं लोगों के कंपोज करने लग गया ओके जब लोगों को मेरा काम सेटिस्फेक्शन नहीं हुई आपको कि मैं कोई आपका गाना कंपोज करे तो आपको अच्छा हाँ, लगे ये क्या कर रहा है इवन के रिकॉर्डिंग भी मैं जिस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करता था वहाँ तो वो अक्सर मेरी उनसे यही बात रहती थी कि यार ये बैलेंस वैसा आपने नहीं किया आप ही कर लिया फिर वो उन्होंने कहा है बता रहे थे यार इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं तो मैं सोचता मैं कहता यार इससे बहुत ज्यादा कुछ हो सकता है उन्हें दिखाया कि ये कर बिल्कुल करके दिखाया बकायदा उनसे मेरी बहस हुई है इस बात पे उनको ये भी बुरा लगा कि आखिर ये हमारा स्टूडियो छोड़ के अपना स्टूडियो भी बना लिया इसने मैंने कहा मैं सारी उम्र इधर रहता लेकिन अगर मुझे रिजल्ट वो मिलता रिजल्ट मिलता शायद हो सकता है कि आप में और मेरे में गैप ज्यादा है क्योंकि आप वो ओल्ड मशीनरी लेके बैठे हुए हैं और अब जो है ना वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आ गए हैं और नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं तो मैंने ये सुना उस दौर में यानी कि वो इस वक्त कंप्यूटर नया नया आया था तो मैंने कंप्यूटर के ऊपर रिसर्च की और तकरीबन एक डेढ़ साल घर में मैंने वो कंप्यूटर के ऊपर रिसर्च करके तो फिर मैं मार्केट में आया अच्छा उस दौरान अपना एल्बम किया उसको बैलेंस करता रहा फिर मैंने मुख्तलिफ लोगों से राय ली कि आखिर ये मेरा बैलेंस और म्यूजिक कैसा लग रहा है तो लोगों ने बड़ी तारीफ की कि इसमें काफी लोगों ने मेरी करेक्शन भी की उसमें कुछ म्यूजिक सेंटर्स थे बड़े बड़े हमारे लाहौर के उनसे मैं राय लेता था मेरी बैलेंसिंग कैसी है तो फिर उन्होंने कहा जी अब ये उस लेवल पे आ गई सुनते हैं चले अच्छा हो गया मतलब जो रिजल्ट आप चाह रहे थे बिल्कुल तो आपको अपना काम करके खुद से मिले नूर अफशा जी कभी आपको ये नहीं लगा जो आप गाने गाती हैं और जो भी आप लोगों को सुनाती हैं तो उसमें कोई कमी रह गई है या आपको पूरा गाना करके देते हैं सेट नहीं आपकी कंपोजिंग कौन करता है बहुत मुश्किल है अली जी ने मेरा गाना किया था आज मैं वो भी आपको सुनाऊंगी अच्छा और बहुत मुश्किल है ये काम ठीक हो गया बहुत मुश्किल है जिनाब कॉलर हमारे साथ है ये भी बड़ा मुश्किल काम है ऐसा भी इतना लगाते हैं लेकिन रिजल्ट हो ओके अस्सलाम वालेकुम जी हेलो वालेकुम सलाम जी जनाब कॉलर कहाँ से फैसलाबाद से जिशान बात कर रहा हूँ क्या हाल है फैसलाबाद से जिशान मैं बिल्कुल ठीक ठाक जिशान आप सुनाइए कैसे हैं ठीक ठाक हैं खैर से हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक काफी देर से ट्राई कर रहा था ओहो थैंक यू वेरी मच मिल गई आपकी कॉल कि आप ट्राई किया इतना ज्यादा तो मुझे बताइए मुल्क की सूरत हाल पे कोई राय देना चाहेंगे हाँ जी जो फैसला लिया है ना हाँ हाँ कॉल ड्रॉप हो गई है जो फैसला लिया है मेरे ख्याल में वो कहना चाह रहे हैं कि अच्छा लिया है फैसला क्या लिया अच्छा लिया या बुरा लिया अभी इसके नतीजे सामने आएंगे लोगों की राय सामने आएगी क्योंकि हर बंदे की राय चेंज होती है तो अब देखते हैं कि ये जो फैसला लिया गया है
तो उसके बारे में लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मुल्की सूरत हाल पे इस वक्त बात करना बहुत जरूरी है। काफी लोग हैं जो अवॉइड करते हैं, काफी चैनल्स हैं जो अवॉइड करते हैं कि जनाब ऐसे ही ये बात डिस्कस नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो चीज हो रही होती है काफी सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं जो नहीं डिस्कस करनी चाहिए, मतलब जैसे कि वीडियोस वगैरह हैं वो हमें फॉरवर्ड नहीं करने चाहिए। ये मैं सब लोगों से कहना चाहूंगी कि आप लोगों के पास जब पाक आर्मी की लोकेशन की, उनके जगहों की, उनके ठिकानों की कोई वीडियो पहुंचती है, काइंडली उस वीडियो को कभी भी शेयर मत करें, उस वीडियो को कभी भी शेयर मत करें। यह हमारी मुल्की सलामती का मसला होता है, उस पे मुल्की सलामती का दारमदार होता है। दुश्मन हर जगह में, हर भेद में हमारे इर्द गिर्द फैला हुआ है, ठीक है। तो उस वीडियो को फौरन डिलीट कर दिया करें, बजाय इसके कि दिखाओ मैं अपने फलाने दोस्त को दिखावा, फलाने को दिखावा, कोई जरूरत नहीं है दिखाने की। हमारी मुल्क की सलामती का खतरा होता है, प्लीज इस चीज को थोड़ा सा फील करें, ठीक है जी। तो नूर अर्शा जी, आपकी तरफ वापस आते हैं कि आपने ये जो सारा शुरू किया, आप काफी सारी फिल्मों की भी देख रही हैं, फिल्मों में क्या कर रही हैं आप, जरा बताना पसंद करेंगे। 5-6 फिल्में हैं, एक तो खुर्रम भट्टी की फिल्म थी सीना 20, मेरा सॉन्ग था, और उसके बाद फिर मैंने कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो बस अभी इंशाल्लाह लगेगी ईद पे मेरे ख्याल। अच्छा, मूवी का नाम है कुछ, उसके सारे गाने आपने किए हैं? उसके मैंने दो किए हैं, एक सोलो किया है, एक ड्यूट किया है। ठीक हो गया, तो अभी एक स्टार्ट हो रही है मूवी, उसमें दो गाने हैं मेरे। अच्छा, फौजी फिल्म जी, उसमें भी आपके दो गाने, तो आप सेटिस्फाई अपनी इस फील्ड से, मजा आता है? हाँ, शुक्र अल्लाह का। मतलब बैक द कैमरा आपको कैसे लगता है जब कोई प्यारी सी लड़की, प्यारी सी हीरोइन आपका गाना नाच नाच के फुदक फुदक के गा रही होती है, तो बड़ा जबरदस्त, बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है, दिल नहीं करता कि खुद ही इसकी जगह होती तो। हाँ, कोशिश करूंगी, अगर फौजी फिल्म जो है इसमें ऑफर भी मुझे है। अच्छा, हाँ, इसमें इंशाल्लाह मैं काम करूंगी। लो जी, मैं तो मजाक ही किया, सीरियस ही होए पे जी, है जी। तो ठीक है, तो ब्रेक पे हम जाते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम साथ साथ में गाना सुनते हैं, कदी होइए ना जुदा, है जी जी। ते वो गाना नाल सुना दियो, ते नाल ही असीं ब्रेक ते भी चलने। ओके जी।